हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज की वीडियो काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि आज की वीडियो है कि अगर शादीशुदा महिला आपसे संबंध बनाना चाहती है तो वो कैसे इशारे देती है, वो कौन से ऐसे साइन होते हैं जिसे आप समझ के उसका इंटेंशन समझ सकते हो। वैसे ये सभी के साथ नहीं है, मैं सबको इसमें जज नहीं कर रही, बट हाँ, कुछ होता है, दुनिया बहुत गोल है, दुनिया में कुछ भी होता है। कोई फीमेल ऐसी है जो अपनी फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर तुम्हारी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए तुमसे अट्रैक्ट हो गई है और शी वांट्स अ फिजिकल रिलेशनशिप विद यू, तो आपको ये चांस अगर चाहिए तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ इशारे वो करती है जिसे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। नंबर वन है नॉटी बात करना। देखो, यूं तो फ्लर्ट करना सभी को पसंद है, यानी अपोजिट जेंडर में फ्लर्ट होता है, बट वो जरूरत से ज्यादा कुछ ज्यादा फ्रेंकली होती है, तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड रखती है, लेट नाइट टॉक करती है और पर्सनल और नॉटी बातें करना ज्यादा पसंद करती है, तो समझ जाओ कि वो एक इशारा दे रही है तुम्हें। नेक्स्ट जो हिंट है वो देती है तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। पहला सवाल, गर्लफ्रेंड है तो कैसी है, सुंदर है या नहीं, क्या मेरा फिगर और उसका फिगर अच्छा है, मुझसे अच्छी है, दिखाओ फोटो, दिखाओ किस तरीके की है। अगर तुम उससे फिजिकल होते हो तो क्या तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये बहुत ही डीप सा सवाल है, जो इंटरेस्ट होता है, लड़कियां इंटरेस्टेड होती हैं तभी जाके ये सवाल करेंगी, तो तुम समझ जाना कि वो कुछ हिंट्स दे रही है। नेक्स्ट चीज़ है कि तुम्हारी जेनिटल पार्ट्स के साइज और तुम्हारे बॉडी की, ये सारी चीज़ें जो सीक्रेट्स होती है जो इजीली कोई नहीं पूछता, पर्सनल बातें, वो सारी चीज़ें वो पूछेगी। व्हाट इज योर टाइमिंग, तुम्हारा साइज क्या है, तुम्हारा कैसा मन होता है, तुम्हारी फीलिंग्स कैसी है, तुम्हारे इवन पोजीशंस के भी बारे में, जो रिलेशनशिप पोजीशंस होते हैं उनके बारे में भी वो डीपली एनालिसिस करके पूछेगी, ताकि तुम प्रोवोक हो जाओ और तुम्हारा इंटरेस्ट जानने की कोशिश करे कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, चबी या फिर स्लिम फिगर वाली, कौन सी हीरोइन पसंद है, उस हीरोइन में तुम्हें क्या पसंद है, मैं भी उस तरीके की दिखती हूँ या फिर नहीं, ऐसी बातें होती है जो वो करती है। नेक्स्ट है कि जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास आके चिपकना और तुमसे जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी हरकतें करेंगी, यानी इंप्रेस करने के लिए जो करती है, सेक्सुअली जब कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो अच्छे से ड्रेसअप होके आता है, या फिर टाइट हगिंग, या फिर ऐसे बॉडी एक्सपोज, बॉडी कॉन्ट्रास्ट पहन के आएगी, या तुम्हें जैसा पसंद है वो तुम्हारी चॉइस की चीजें करना शुरू कर देगी और इशारे भी करेगी। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लीमेंट देना, बट कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं जो नॉर्मल लोग देते हैं, वो देती है तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी चार्मिंग पर्सनालिटी की, लाइक फिजिकल इंटेंशन से कि तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम समझ ही गए होगे, ऐसी बातें वो करेंगी। तुम्हारे साथ खुश होना और अपनी पर्सनल बातें शेयर करना, जैसे कि मेरे हस्बैंड तो टाइम ही नहीं देते, तुम कितने अच्छे हो, काश तुम मेरे हस्बैंड होते, वो मुझे खुश नहीं करते हैं, तुम मुझे खुश करते, अपने आप को सैड और नीडी शो करना कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे सेटिस्फाई कर पाता, ऐसी चीज़ें वो तुमसे बोलना और शेयर करना शुरू कर देंगे। इवन कि वो अपने टॉप सीक्रेट्स, जैसे कि हनीमून नाइट में उसके साथ क्या हुआ था, वो क्या चाहती थी, अपने पास्ट के भी बारे में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग जो फिजिकल रिलेटेड हो वो तुम्हारे साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। वो अपनी पसंद और नापसंद तुम्हारे साथ बताएगी कि मुझे क्या चाहिए था और मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला, तुम्हारे अंदर कौन सी चॉइसेस है, ऐसे वो दिखाएगी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे क्या पसंद है फिजिकल होने में, मुझे ऐसा किस पसंद है, वैसे किस पसंद है, मुझे इस मूवी के सीन काफ़ी रोमांटिक और हॉट लगती है, ऐसी चीज़ें वो शेयर करेगी। इवन वो फोटोज़ भी तुम्हें शेयर करेगी, अपनी पर्सनल फोटोज़ भी तुम्हें दिखाना चाहेगी। देखो, ये साइन है बट कन्फर्म करना तुम्हारी बात है कि तुम उससे बात कर सकते हो, तो अपने तरीके से उसमें बात कर सकते हो कि क्या वो चाहती एग्जैक्ट में, या फिर तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के साइन जब मिल जाता है तो उसे कंफर्म भी करना होता है। होप सो कि नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।